हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 16 से 31 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस हैं आपके लिए। एंड साथ में ही रीडिंग के एंड में जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस दिए जाएंगे ताकि आपको इस बार और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके उनके दिल के फीलिंग्स को। सो अभी आप लव लाइफ की साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। फर्स्ट यहाँ पर है टेम्परेंस, वाओ। सेकंड क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर आप आशा कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, या फिर जिस इंसान की तरफ से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं अब डूब चुका है। तो जिसकी वजह से अभी आपके मन में, आपके दिल में कोई भी होप नहीं है, आशा नहीं है। ओके, तो ये आशा ना आपको फिर से मिलने वाला है। ये जो हाथ आपको दिख रहे हैं, यही हाथ ना इस टाइम पर आपको संभालने के लिए आ रहे हैं, आपको सेटिस्फाइड करने के लिए आ रहे हैं, आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आ रहे हैं। जिस साइड से आप चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए आ रहे हैं। सो ऐसे में यहाँ पर एक रीयूनियन की चांसेस बन रही है। अगर आप किसी के कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, कोई इंसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, तो उस चीज़ का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी हाई है, सैजिटेरियस की एनर्जी हाई है, एंड साथ में एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है। ओके, देखो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड ना हारमोनी की बात करता है, लव लाइफ में ऑनेस्टी की बात करता है, साथ में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने की बात करता है, प्यार में ना दोस्ती की बात करता है। ओके, गॉड ब्लेसिंग्स की बात करता है। तो इस टाइम पर 16 से 31 तारीख के बीच में डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि डिवाइन इन्वॉल्व्ड होगा, जो कि डिवाइन के द्वारा किया गया होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें इस टाइम पर आपको ना आउट ऑफ कंट्रोल लगे, आपके हाथों से बाहर लगे, तो ऐसे में आपको मायूस नहीं हो जाना है, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ओके, जिसकी वजह से ही वो सिचुएशन आपके हाथों से बाहर जाएगा। फाइन, तो इस टाइम पर डिवाइन आपके लिए कुछ बेहतर सोच कर रखे हैं, तो आपको इस टाइम पर मायूस नहीं होना है, आपको इस टाइम पर दिल में होप रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। हो सकता है इस चीज़ को नोटिस किया है कि आप पिछले कुछ दिनों से जो भी मांग रहे हो डिवाइन से लव लाइफ के बारे में, कुछ चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ विशेस आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो इसका मेन वजह ये है कि वो चीज़ हो सकता है आपके लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से ही डिवाइन आपको नहीं दे रहे हैं। आप अभी हो सकता है समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, तो बाद में जाकर हो सकता है आपको समझ में आए, एंड आप उस टाइम पर डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दो। ओके, तो आपके लिए कुछ बेहतर डिवाइन ने सोच कर रखा है, जो अभी 16 से 31 तारीख के अंदर ना आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट की बात करता है, मतलब कि कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा तरीके से आपको लेकर सोचने वाला है, मैनिफेस्टेशन करने वाला है 16 से 31 तारीख के बीच में। ये इंसान आपको लेकर ना सोचते ही सोचते इतना ज़्यादा डूब जाएंगे आपके ख्यालों में, इनके द्वारा उस टाइम पर कोई भी काम किया नहीं जाएगा। हर एक इंसान उस इंसान को देखकर समझ पाएगा कि ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, बेहद ज़्यादा सोच रहे हैं। ये अपने अंदर के फीलिंग्स को अभी और ज़्यादा छुपा नहीं पाएंगे, जिस चीज़ को ये इंसान बहुत टाइम से छुपाते आ रहे हैं, तो दिल के अंदर के फीलिंग्स बाहर आने वाला है, दिख रही है, जिसकी ही वजह से इस टाइम पर इनके घर वाले ना आपको लेकर कोई स्टेप ले सकते हैं, या फिर वो इंसान आपको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, सेटिस्फाइंग होगा आपके लिए, खुशहाल होगा। इस चीज़ को हो सकता है आप भी बहुत टाइम से डिजर्व कर रहे हो, वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो कुछ ऐसा दिख रही है मुझे जो कि आपके वेट के साथ ना मेल खाने वाला है। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वही चीज़ इस टाइम पर कोई एक इंसान ऑफर के रूप में आपकी तरफ ले आने वाले हैं।
ओके जिस इंसान के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, जिस इंसान को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वैसे किस इंसान की तरफ से ये ऑफ़र आपके पास आएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, जो कार्ड कहीं ना कहीं शादी को इंडिकेट करता है। कोई एक इंसान आपको लेकर बहुत गहरी तरीके से ऑलरेडी सोच रहा है एंड आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब कि 16 से 31 के अंदर और ज़्यादा गहरी तरीके से सोचने वाला है आपके साथ ना, फ्यूचर प्लानिंग ये इंसान करने वाले हैं। एंड इनके घर में भी हो सकता है ये इंसान बातचीत कर ले कुछ ही दिनों के अंदर, जिसकी वजह से ये इंसान 16 से 31 के बीच में आपके तरफ कोई शादी का प्रपोज़ल ले आ सकते हैं, आपको कोई शादी का ऑफ़र भी कर सकते हैं, फिर कोई लॉन्ग टर्म का ऑफ़र कर सकते हैं जो कि परमानेंट होगा। यहाँ पर ये जो सफ़ेद हॉर्स दिख रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं फैंटेसी को इंडिकेट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं विश के फुलफिलमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ड्रीम का रियलिटी में बदलने का इंडिकेशन दे रहा है। ओके तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, एक्साइटेड रहेंगे कि फाइनली ये इंसान अपने डिसीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। एंड साथ ही दिख रही है कि कोई इंसान अगर आपसे कुछ ही महीनों पहले या फिर कुछ सालों पहले दूर चला गया था, आपको बुरा समझकर या फिर इनके ईगो के वजह से ये इंसान आपसे दूर चले गए थे, तो उस इंसान का इस टाइम पर आपके लाइफ में वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 16 से 31 के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पर 3 of Wands का कार्ड है। इस टाइम पर आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर शो करना है, आप जिनको भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना कंजर्वेटिव माइंडेड नहीं रहना है, कि दिल में अगर उनके लिए प्यार है तो आप छुपा रहे हो, बहुत ज़्यादा शर्म से झुका रहे हो अपने पलकों को, ऐसे टाइप्स की चीज़ों को इस टाइम पर आपको शो नहीं करना है। आपके मन में इस टाइम पर अपने सामने वाले इंसान के लिए जो भी फीलिंग्स रहेगा ना, उसको इजहार करना है, एक्सप्लोर करना है, उसको सरफेस लेवल पर ले आना है। देन जाकर आप नोटिस कर पाओगे कि आपकी लव लाइफ में ना एक बाउंडलेस लव क्रिएट हो रही है, जिस लव को कोई नहीं तोड़ सकता है, जो लव एंडलेस होगा। एंड यहाँ पर है द जजमेंट। वाओ, डेफिनेटली आपको इस टाइम पर डिवाइन पास्ट के सिचुएशंस को भूलने की बात कर रहे हैं। पास्ट में अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, आपका दिल दुखा था किसी की वजह से, या फिर किसी को आपने प्यार किया था, उसने आपको धोखा दिया था, ऐसी बहुत सारी बातें आपके पास्ट में हुए होंगे, उस चीज़ को आपको इस टाइम पर जितना हो सके भूल कर ना प्रेजेंट में फोकस करना है। प्रेजेंट में आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें फोकस करने की ज़रूरत है, तो डिवाइन आपको इस टाइम पर पास्ट के मेमोरीज़ को डिलीट करने के लिए कह रहे हैं। एंड सामने जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड सामने लव लाइफ के साइड से कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उस चैलेंजेस को आपको फेस भी करना है। अगर आप प्रेजेंट में फोकस नहीं करोगे तो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाओगे। एंड कुछ कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है, जिसके दौरान आपके लव लाइफ में एक नया शुरुआत होने वाला है। पिछले टाइम के किया गया कुछ कर्म का फल आपको मिलने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, जो कि 16 से 31 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते पसंद करते हैं, उस इंसान की तरफ से कुछ लव मैसेजेस लेकर कि वो इंसान आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हो सकता है कह नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं उनके मन की भीतर की जो फीलिंग्स हैं। एंड ओके देखो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, आई नो इट्स माई फॉल्ट, तुम्हें छोड़ के जाना मेरी सबसे बड़ी गलती है, उस दिन के बाद से अभी तक तड़प रहा हूँ, क्या माफ़ कर सकते हो। ओके तो कोई एक इंसान आपसे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, अभी हो सकता है कुछ दिनों के अंदर आपके सामने आकर माफ़ी मांगे, प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई वॉन्ट टू सी यू, ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, आपको फिर से महसूस करना चाहते हैं, हो सकता है इनके पास कोई भी पिक्चर्स वगैरह नहीं है, आपके सोशल मीडिया में देखना चाहते हैं, अनब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं। एंड यहाँ पर है मजबूर इतना हो कि तुम्हें चाहकर भी किसी और का होना पड़ रहा है, हो सके तो माफ़ कर देना, ये कहने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान है जो अंदर से जानते हैं कि आपसे अच्छा पार्टनर इनको कभी नहीं मिल सकता है, बट कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है।
दिख रही है मुझे। हो सकता है कि इस इंसान का शादी तय हो रहा है किसी और के साथ, तो शादी करने से पहले या फिर नया जीवन स्टार्ट करने से पहले हो सकता है आपसे माफ़ी मांगना चाहता हो सकता है आपको एक बार देखना चाहता हो, ये ऐसा एक बात मुझे दिख रही है। एंड जिसकी ही वजह से मुझे दिख रही है गाइस कि डिवाइन ने आपको बताया है कि पास्ट के इंसान को आपको भूलना पड़ेगा, पास्ट के सिचुएशंस को आपको भूलना पड़ेगा, आपको आगे की तरफ देखना है, क्योंकि आपको लेकर डिवाइन ने कुछ बेहतर सोच रखा है। पास्ट के किसी इंसान को लेकर अगर आप अभी सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि उनके पास फिर से वापस चले जाओगे, उनको लेकर सोचोगे, नया जीवन स्टार्ट करोगे, तो ऐसे कुछ मत सोचो। पास्ट आपके लिए एकदम से सही नहीं है। सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।